हरिहर बाबा। वाराणसी के गंगा तट पर स्थित 80 घाट पर आज अनेक नागरिकों की भीड़ एकत्रित हुई थी। यहां मृत्युंजय होम हो रहा था। पास ही बाबा विश्वनाथ के प्रतीक परम श्रद्धेय हरिहर बाबा विराजमान थे। नगर के प्रसिद्ध याज्ञिक होम कुंड में आहुति दे रहे थे। उनके स्वाहा स्वाहा स्वर से वातावरण मुखरित हो रहा था। अचानक ठीक 12 बजे आसमान पर बादल मंडराने लगे, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। लोगों को समझते देर नहीं लगी कि यह यज्ञ का सारा आयोजन विफल होगा। लोग रह रहकर आकाश की ओर देखने लगे। भीड़ में हलचल होते देख एक ब्राह्मण ने कहा, आप लोग शांति से बैठ जाइए, पानी नहीं बरसेगा। जब यहां साक्षात भोलेनाथ बैठे हैं तब कोई संकट नहीं आएगा। ठीक उसी समय हरिहर बाबा ने होम कुंड के चारों ओर परिक्रमा करते हुए पंडितों से कहा, जब आप लोगों को ही याज्ञिक क्रिया पर विश्वास नहीं है तब क्यों ऐसे कार्यों में भाग लेते हैं? पंडितों ने अपना मस्तक झुका लिया। कुछ देर बाद जोरों से बारिश शुरू हो गई। लोगों ने आश्चर्य के साथ देखा, नदी घाट चारों ओर बारिश हो रही है पर यज्ञ स्थल में एक बूंद पानी नहीं गिर रहा है। 4 बजे होम कार्य समाप्त हुआ। इसके बाद होताओं और कार्यकर्ताओं को बजरे में भोजन करने के लिए बैठाया गया। इसके बाद 4 घंटे तक लगातार वर्षा होती रही। पंडित तथा होतागण बजरे से बाहर नहीं निकल सके। दशहरे के दिन हरिहर बाबा अपने भक्तों से घिरे बैठे थे। उनके सामने कुछ लोग भजन गा रहे थे। धीरे धीरे शाम हो गई। बाबा से कुछ कहने की हिम्मत किसी को नहीं हो रही थी। वहीं बाबा के पट शिष्य विश्वनाथ जी भी मौजूद थे। भक्तों ने उनसे कहा, महाराज आज दशहरा का त्योहार है, दशाश्वमेध घाट पर मूर्ति विसर्जन हो रहा है, इधर बाबा का सत्संग, यहां से उठने की भी इच्छा नहीं हो रही है। दूसरी ओर साल भर का पर्वोत्सव देखने की लालसा हो रही है। अगर आप बाबा से अनुरोध करें तो हमें छुट्टी मिल जाएगी। विश्वनाथ जी भक्तों की इच्छा भली भांति समझ गए। उन्होंने हरिहर बाबा से निवेदन किया, प्रभु आपके इस कीर्तन के कारण लोग दशहरा उत्सव देखने से वंचित रह गए। आपके रहते कोई सत्संग भला कैसे छोड़ सकता है? हरिहर बाबा ने हंसकर कहा, तो यह बात है, उतनी दूर जाने की क्या जरूरत? वहां का सारा दृश्य यहां बैठे बैठे भी तो देखा जा सकता है। सभी लोगों को कह दो। कुछ ही पलों में बजरे पर बैठे सभी लोगों ने देखा कि उनका बजरा दशाश्वमेध घाट पर है। वहां का सारा दृश्य दिखाई दे रहा है। घाट पर मौजूद सभी लोगों ने बाबा को देखा, किंतु आसपास अन्य जितनी नौकाएं थी उन पर सवार दर्शकों ने बाबा को नहीं देखा। यह दृश्य देखकर सभी भक्त आनंद से विभोर हो उठे। विश्वनाथ जी ने कहा, भगवान आपकी महिमा अपरंपार है, आज मैं तथा आपके सभी भक्त धन्य हो गए। ठीक इसी समय बाबा के एक भक्त राधे 80 घाट पर आया तो देखा बाबा बैठे हैं, नाव पर अन्य लोग हैं। घर वापस आने पर राधे के भाइयों ने कहा, 80 जाना तेरा बेकार हुआ, बाबा तो दशाश्वमेध घाट पर दशहरा उत्सव देख रहे थे। राधे को इस पर विश्वास नहीं हुआ। भाइयों ने कहा, घाट पर चलो, वहां जिन लोगों ने बाबा को देखा था उनसे गवाही दिला दूंगा। फिर भी राधे को विश्वास नहीं हुआ। दशाश्वमेध घाट पर आकर उसने लोगों से इस घटना के बारे में पूछा। जिन लोगों ने बाबा को देखा था उन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया। सारी बातें सुनकर राधे चकित रह गए। बिहार का छपरा जिला बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, जिसने माधव पागला, लाटू महाराज और हरिहर बाबा जैसे संतों को
अपने यहां जन्म दिया। मैंने श्री माधव पागला लाटू महाराज जी पे भी मैंने जीवनी बनाया है। जीवनी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो उसे अवश्य सुन लीजिएगा। बिहार का छपरा जिला बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, जिसने माधव पागला लाटू महाराज और हरिहर बाबा जैसे संतों को अपने यहां जन्म दिया। इसी जिले के जफरापुर गांव में सरयूपारी ब्राह्मण तिवारी उपाधिधारी एक पंडित जी रहते थे। सन 1821 ईस्वी माघी पूर्णिमा के दिन तिवारी जी के यहां एक बालक ने जन्म लिया। तिवारी जी ने बालक का नाम रखा सेनापति। आगे चलकर मेरा लड़का फौज में सेनापति बनेगा। सेनापति जब 7 वर्ष का हुआ तब तिवारी जी के यहां दूसरे पुत्र ने जन्म लिया। उन दिनों हरिहर क्षेत्र का मेला लगा था, उसकी स्मृति में बालक का नाम रखा गया हरिहर। हरिहर के जन्म लेने के बाद से तिवारी जी की पत्नी अस्वस्थ रहने लगी। गृहिणी की बीमारी, दोनों बच्चों की देखभाल और गृहस्थी का झमेला, तिवारी जी परेशान हो गए। कुछ दिनों बाद पत्नी चल बसी, बच्चे मातृहीन हो गए। अब तिवारी जी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके कष्टों को देखकर पड़ोसी मित्रों ने उन्हें पुनर्विवाह करने की सलाह दी, पर वे राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा, आप मेरी मुसीबतें देखकर ऐसी सलाह दे रहे हैं, पर यह भी सोचिए कि सौतेली मां आकर इन्हें अपना स्नेह न दे सकी तो दिवंगत पत्नी के साथ मेरा कितना पाप बढ़ेगा। नई पत्नी की उपेक्षा से कलह के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। यह सन 1830 ईस्वी की घटना है। इस घटना के ठीक 5 वर्ष बाद सन 1835 ईस्वी को तिवारी जी भी दोनों बच्चों को अनाथ बनाकर चल दिए। उन दिनों सेनापति की उम्र 14 वर्ष और हरिहर की 7 वर्ष थी। पिता का श्राद्ध करने के बाद सेनापति ने देखा कि यहां सहारा देने वाला कोई नहीं है। खेत था नहीं, सगा भी कोई नहीं था। पिताजी सोनपुर के एक जमींदार की चर्चा बराबर करते थे, जो कि उनके मित्र और सहपाठी थे। छोटे भाई को लेकर सेनापति उनकी शरण में आया। सारी कहानी सुनने के पश्चात जमींदार ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, यहां आराम से रहो, खाओ पियो और स्कूल में पढ़ने जाओ। सेनापति को ज्ञात था कि पिताजी उसे कितना प्यार करते थे। ठीक उसी तरह वह अपने छोटे भाई हरिहर की देखभाल करता था। स्कूल से वापस आने के बाद दोनों बाहर नहीं जाते थे, एक साथ खाते और एक ही बिस्तर पर सो जाते थे। यहां आए 3 वर्ष व्यतीत हो गए थे। अचानक एक दिन स्कूल से वापस आते ही हरिहर को तेज बुखार आ गया। इलाज होने लगा पर उसे बचाया नहीं जा सका। तीसरे दिन वह भी अपने माता पिता के पास चला गया। यह एक ऐसा मार्मिक आघात था जिसे सेनापति सहन नहीं कर पा रहा था। उसके कपड़े, पुस्तकें, खेल के सामान आदि रह रह कर उसकी स्मृतियों को कचोटने लगे। एक दिन वह चुपचाप भागलपुर चला आया। यहां भी मन को शांति नहीं मिली, बल्कि अनाहार और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। लाचारी में पुनः सोनपुर वापस आकर पढ़ने लिखने में मन लगाया, लेकिन हरिहर की याद बराबर मन को अशांत बनाती रही। हृदय से जब किसी को प्यार किया जाता है तब उसका अभाव बुरी तरह खलने लगता है। सेनापति को लगा जैसे कोई अपना नहीं है, सभी अपने अपने स्वार्थ के लिए मोह उत्पन्न करते हैं। इन्हीं सब चिंताओं से उसका मन उचाट हो गया और एक दिन अपने आश्रय दाता को बिना कोई सूचना दिए चल पड़ा। कई शहरों का चक्कर काटते हुए जब वह अयोध्या पहुंचा तब वहां के वातावरण ने उसका मन मोह लिया। उसने निश्चय किया कि फक्कड़ साधुओं की तरह यहीं अपना जीवन व्यतीत करेगा।
शायद कभी प्रभु राम की कृपा हो जाए। नगर से कुछ दूर सरयू के किनारे उसने डेरा जमाया। पास ही जंगल से लकड़ी और पत्ते लाकर एक छोटी सी कुटिया बनाकर राम भजन में मगन हो गया। शाम के पहले नदी में स्नान करने के पश्चात जो कुछ मिलता उसे खा लेते। इधर से गुजरने वाले यात्री और दर्शनार्थी साधु समझकर उसे खाद्य पदार्थ और पैसे दे जाते। खाद्य पदार्थों को वे खा जाते थे। जिस दिन खाद्य पदार्थ न मिलता उस दिन सतुआ का घोल बनाकर पी जाया करते थे। अधिकतर समय ध्यान में लगाते थे। कहा जाता है कि यहीं उन्हें एक सन्यासी से बीज मंत्र प्राप्त हुआ था। इस मंत्र के जाप से उन्हें तितिक्षा प्राप्त हो गई और वे कठोर साधना में निमग्न हो गए। दाढ़ी और जटा बढ़ने लगी। मन की व्याकुलता समाप्त हो गई। अब अपना अधिकांश समय कुटिया के बाहर एक शिला पर बैठे गुजारने लगे। ठीक इन्हीं दिनों एक घटना हो गई। गांव के कुछ लोग अयोध्या दर्शन करने आए थे। इन लोगों में से कुछ लोगों ने सेनापति को पहचान लिया। आश्चर्य के साथ किसी ने कहा, तिवारी जी का बेटा साधु बन गया है। दूसरे ने कहा, कहिए हरिहर के भैया, यह चोला कैसे अपना लिया। लोग सेनापति का नाम भूल चुके थे। अधिकांश लोगों को हरिहर का नाम याद था, फलतः हर कोई संबोधन करते समय हरिहर के भैया कहते रहे। गांव के लोगों ने समझाया कि यह उम्र साधु बनने की नहीं है, लोग जवानी के बाद साधु बनते हैं, चलो घर लौट चलो। सेनापति ने इन लोगों के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अब उसे मंत्र जाप में जो आनंद मिल रहा था उसे छोड़कर जाने की इच्छा नहीं हुई। स्थानीय लोग इस महात्मा को कठोर साधना करते देखते रहे। कुछ पूछने पर कोई जवाब नहीं मिलता था। दिन भर कड़ी धूप में, मूसलाधार वर्षा में और कड़कड़ाती सर्दी में इसी तरह दिन भर नंगे बदन ध्यान लगाए बैठे रहते थे। न किसी से कुछ मांगते थे और न किसी से कोई बात करते थे। गांव के लोगों के संबोधन को सुनकर स्थानीय लोग भी हरिहर के भैया स्थान पर हरिहर भाई, हरिहर बाबा कहने लगे। सेनापति ने सोचा, चलो यह भी ठीक ही हुआ। जिस भाई की स्मृतियों ने संन्यास दिलाया और उसी के नाम को ग्रहण कर लिया जाए। इस घटना के बाद से वे हरिहर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। 2 वर्ष कठोर साधना करने के बाद उन्हें वाक सिद्धि मिल गई। अब वे अधिकतर पानी में रहने लगे। उनके चेहरे से अपूर्व तेज प्रस्फुटित होने लगा। कहा जाता है कि 12 वर्ष तक यहां तप करने के बाद एक दिन उन्हें प्रभु राम, सीता और हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी ने इनसे कहा, अगर तुम इष्ट प्राप्त करना चाहते हो तो काशी जाकर बाबा विश्वनाथ की कृपा ग्रहण करो, वहीं तुम्हें इष्ट की प्राप्ति होगी। बाबा की कृपा प्राप्त होते ही तुम्हें तुम्हारा इष्ट प्राप्त हो जाएगा। यह आदेश पाते ही उसी दिन हरिहर बाबा काशी की ओर पैदल रवाना हो गए। मार्ग में आपकी मुलाकात परम सिद्ध योगी तैलंग स्वामी से हुई। दोनों ही मौन भाषा में बातें करते हुए विश्वनाथ मंदिर में आए। 2 घंटे बाद मंदिर से निकलकर हरिहर बाबा तैरते हुए नगर के दक्षिणी भाग नगवा क्षेत्र में आ गए। यहां एक सुनसान स्थान पर रखे पत्थर पर चुपचाप बैठकर ध्यानस्थ हो गए। श्री तैलंग स्वामी जी पे भी मैंने उनकी जीवनी बनाई है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो उसे अवश्य सुनिएगा। और कभी भी आप काशी जाते हैं तो पंचगंगा घाट के पास जाके किसी से भी पूछ लीजिएगा कि श्री तैलंग स्वामी का आश्रम कहाँ है, लोग आपको बता देंगे। तो आश्रम में आप अवश्य जाइएगा, वहाँ पे जो विग्रह है तैलंग स्वामी का वो जागृत है, उनके दर्शन कीजिएगा। वहीं बगल में नीचे आप जाइएगा तो एक भूमिगत मार्ग है, लेकिन जो मेन गुफा है वो आप तो नहीं देख पाएगा क्योंकि उसमें ताला लगा हुआ है। और उनकी जो शिष्या थी माता संकरी माई जीव, उन पे भी मैंने जीवनी बनाई है। तो वो उसी भूमिगत गुफा से गंगा स्नान के लिए जाती थी, उन्होंने भी वहीं पे बहुत कठोर तपस्या की थी। तो आप कभी वहाँ जाइएगा तो थोड़ा सा भूभाग हम लोग
वो जो गुफा का थोड़ा सा भाग है वो हम दर्शन कर सकते हैं, तो आप लोग भी अवश्य दर्शन कीजिएगा। और वहाँ पे तैलंग स्वामी की पुस्तक भी मिलती है, तो आप लोग वो पुस्तक भी अवश्य प्राप्त कीजिएगा। अगर आप उस पुस्तक को पाने में असमर्थ हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मुझसे संपर्क कीजिएगा, वो पुस्तक मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। उच्च स्तर के साधक जिन्हें दिव्य दृष्टि वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वे अपनी अतींद्रिय शक्ति से अन्य साधकों को पहचान लेते हैं। हरिहर बाबा को देखते ही तैलंग स्वामी ने समझ लिया कि यह साधक योग सिद्ध है। इसके पूर्व योगी राज तैलंग स्वामी जी, स्वामी भास्करानंद, रामकृष्ण परमहंस जी और पंडित श्यामाचरण लाहिड़ी जैसे योगियों से मिल चुके थे। स्वामी भास्करानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस जी पे भी मैंने पूरी वीडियो बनाई है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी पे तो मैंने लगभग 4 घंटे की उनकी जीवनी बनाई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसे भी अवश्य सुन लीजिएगा। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि इस साधक की शक्ति अद्भुत है। उन्होंने इस बात की सूचना अपने भक्तों को देते हुए कहा, तुम लोगों को चाहिए कि उनका दर्शन करो और सर्वदा ध्यान रखो। इन दिनों वे नगवा में विराजमान है। उपस्थित भक्तों में से किसी ने कहा, बाबा सुना है कि वे किसी के हाथ की कोई सामग्री ग्रहण नहीं करते, फिर हम उन्हें कैसे दें? तैलंग स्वामी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, पर जब तुम लोग जो कुछ फल मिष्ठान दोगे तब उसे वे ग्रहण करेंगे। मैंने उनसे कह दिया है, मेरे बाद मेरा स्थान वही ग्रहण करेंगे। सन 1887 ईस्वी में योगीराज तैलंग स्वामी का शरीरांत हो गया। स्वामी जी की भक्त मंडली शोक से पागल हो गई। सभी संतप्त भक्तों को हरिहर बाबा के निकट शांति प्राप्त हुई। हरिहर बाबा के समकालीन महात्माओं में तैलंग स्वामी, भास्करानंद, श्यामाचरण लाहिड़ी थे। लाहिड़ी महाशय गृहस्थ योगी थे, इसलिए अन्य योगी उनके यहां नहीं जाते थे, लेकिन हरिहर बाबा, तैलंग स्वामी और स्वामी भास्करानंद परस्पर एक दूसरे के यहां बराबर जाते थे। तैलंग स्वामी की तरह भास्करानंद जी भी हरिहर बाबा की चर्चा चलने पर कहा करते थे, बाबा असाधारण योगी पुरुष हैं, उनके तप की तुलना नहीं की जा सकती। नगवा घाट के समीप ही स्वामी योग त्रियानंद जी रहते थे। वे असाधारण विद्वान थे जिनकी चर्चा महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक साधु प्रसंग में कर चुके हैं। योग त्रियानंद जी के पूर्वाश्रम का नाम था शिवशंकर सान्याल। आप वास्तव में स्वामी नहीं थे, गृहस्थ सन्यासी थे। स्वामी योग त्रियानंद जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्हें सपने में दर्शन देके विद्या दी गई थी। ये जो सीखना चाहते थे उसके लिए ये बहुत जिज्ञासु थे, बहुत आर्त भाव से रोने भी लगते थे, तो सपने में इनको वो विद्या दी गई थी। तो मैंने इन पे भी जीवनी बनाई है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी अवश्य सुनिएगा। और मैं बहुत जल्द इनके बारे में और विस्तार से एक जीवनी लेके आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जो भी मैंने बनाया है उसे आप अवश्य सुन लीजिएगा। आपके शिष्य श्री कालीपद मुखर्जी, जो कि सब जज थे, ने नगवा में एक भवन बनवाया था जहां आप रहते थे। एक दिन आपने देखा कि एक साधु को कुछ वाचाल लड़के गालियां देते हुए उन पर ढेले फेंक रहे हैं। यह दृश्य देखकर तुरंत उन्होंने एक अन्य शिष्य राम शरण से कहा, बाहर जाकर तुरंत इन बदमाश लड़कों को डांटकर भगा दो और महात्मा जी को सादर भीतर ले आओ। राम शरण जरा असमंजस में पड़ गया। महात्मा जी पागल की तरह दिखाई दे रहे थे, कहीं कोई हरकत कर बैठे तो क्या होगा। उसने कहा, स्वामी जी क्या मेरे कहने पर वे भीतर आना स्वीकार करेंगे? स्वामी जी ने कहा, अवश्य करेंगे, मैं जो कह रहा हूं सो करो, विलंब मत करो, जाओ।
डरते हुए राम शरण ने जाकर लड़कों को भगाया और महात्मा जी से निवेदन किया। वे तुरंत उनके साथ चले आए। शिवशंकर जी ने उन्हें उचित आसन देकर प्रणाम किया। इसके बाद आपस में उच्च स्तरीय वार्ता होने लगी। हरिहर बाबा के चले जाने के बाद स्वामी योगत्रयानंद जी ने कहा, यह तो महान योगी है, तैलंग बाबा के बाद ऐसा महात्मा दूसरा नहीं देखा। मेरा अनुरोध है कि तुम लोग इनकी बराबर सेवा करते रहना, ऐसे महात्माओं का आविर्भाव कभी कभी होता है। इस मुलाकात के बाद अक्सर स्वामी योगत्रयानंद हरिहर बाबा के पास आते रहे। जब उन्हें आने में कोई अड़चन होती तब अपने शिष्यों से समाचार प्राप्त करते थे। जब तक स्वामी जी का शरीरांत नहीं हो गया तब तक वे अपनी ओर से फल फूल मिष्ठान आदि बाबा के पास बराबर भिजवाते रहे। समाधि के पहले उन्होंने राम शरण से कहा, यह बात याद रखना कि मेरे बाद भी बाबा का ख्याल रखना, इससे तेरा भला होगा। वे क्या है इसे तू अपनी सामान्य दृष्टि से नहीं देख सकता, उनकी सेवा से तेरा परलोक सुधर जाएगा। इसी प्रकार श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी जब कभी काशी आते तब हरिहर बाबा से जरूर मिलते थे। कभी कभी दोनों व्यक्ति सूक्ष्म शरीर में मिलते थे। श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी की भी जीवनी और उनके जो शिष्य थे श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी और उनकी डायरी, इन सब पे मैंने ऑडियो बनाया है। ये करीबन 64 पार्ट में है, तो आप अगर पॉडकास्ट में जाके देखेंगे तो सिद्ध संत की डायरी में आपको मिल जाएगा। उसमें भी आपको बहुत सारी रहस्यमय बातें मिल जाएंगी। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व दशाश्वमेध घाट के पहले डेढ़सी पुल के समीप एक चौतेरे पर खिचड़ी बाबा रहते थे। सिर पर बड़े बड़े बाल, घनी दाढ़ी, हृदय पुष्ट शरीर, पास ही धूनी और त्रिशूल। आप नित्य दरिद्र नारायण यानी कंगालों को खिचड़ी खिलाया करते थे। कहा जाता है कि खिचड़ी तैयार हो जाने के बाद आप उस कड़ाही को स्पर्श करते थे। इसके बाद अगणित लोगों को खिचड़ी दी जाती थी, पर कभी कमी नहीं हुई। इसी विशेषता के कारण पूरे बनारस में आपकी प्रसिद्धि थी। हरिहर बाबा अक्सर खिचड़ी वितरण के समय पहुंच जाते और बाबा से बातें करते थे। काशी में अभी श्री खिचड़ी बाबा जी का भी मंदिर है और मंदिर में ही उनके बगल में ही एक विग्रह है। आप लोग जाके देखेंगे वहां पे। जब आप काशी विश्वनाथ मंदिर के उस गेट के पास जाएंगे ना, जो जिससे हम लोग दशाश्वमेध घाट जाते हैं, गेट आप देखिएगा, ऊपर में शंकराचार्य भगवान का प्रतिमा लगा हुआ है, तो ठीक उसके अपोजिट साइड खिचड़ी बाबा का मंदिर है। वहाँ हमेशा सुबह में और शाम में खिचड़ी बनते रहता है। तो वहाँ पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे हरिहर बाबा जी का भी विग्रह है और वहाँ पे पूरा वो वृतांत लिखा हुआ है, डेढ़सी के पुल के बारे में और खिचड़ी बाबा के बारे में पूरा वृतांत वहाँ पे लिखा गया है। नगवा के समीप एक और बाबा रहते थे जिनका नाम था वीत रागानंद सरस्वती। जब हरिहर बाबा और सरस्वती जी आपस में मिलते थे तब एक दूसरे को गुरुदेव कहकर संबोधित करते थे। इसका अर्थ था दोनों संत एक दूसरे को अपनी अपेक्षा ज्ञानी और तपस्वी समझते थे। परंतु इन दोनों साधुओं के भक्त यह समझ बैठे कि हरिहर बाबा के गुरु वीत रागानंद जी हैं और वीत रागानंद जी के गुरु हरिहर बाबा है, जबकि यह धारणा गलत थी। वास्तव में दोनों गुरु भाई थे। इनके गुरुदेव मान सरोवर पर तपस्या कर रहे थे। हरिहर बाबा के असली गुरु का नाम केवल दो चार शिष्य ही जानते थे। बाबा ने गुरुदेव का नाम प्रकट करने के लिए उन सभी को मना कर रखा था। जब आप सिद्ध संत की डायरी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिसे हम आम भाषा में मान सरोवर कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना मान सरोवर की यात्रा पे हम जाएंगे, तो संत उसे मान तालाब कहते हैं। वो कहते हैं कि जो रियल मान सरोवर है वो नहीं है, और जो रियल मान सरोवर है वहां साधारण इंसान नहीं पहुंच सकते, उसके लिए बहुत यौगिक शक्ति चाहिए।
और जो रियल मानसरोवर है वहां पे जो संत रहते हैं उनका हाइट भी करीबन 12 से 20 फीट तक है। तो श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी के जो गुरु थे वो मानसरोवर में ही रहते थे और आकाशगंगा पर्वत पे आके उन्होंने उनको दीक्षा दी थी। जब आप कभी गया जाएंगे तो वहां पे आकाशगंगा पर्वत अवश्य जाइएगा, किसी से पूछ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। वहां पे उनका मंदिर भी बना क्या है और उनकी जीवनी में मैंने बहुत विस्तार से बताया है ये सब बातें, तो अगर आप जानना चाहते तो वो अवश्य सुन लीजिएगा। एक दिन स्वामी वीतरागानंद जी के साथ हरिहर बाबा घूमने निकले तो भाड़ के झंझाड़ में गिर पड़े। तमाम बदन में छोटे छोटे कांटे चुभ गए। तुरंत कई लोग बाबा को उठाने के लिए दौड़े। तभी एक भक्त ने कहा, एक दिन स्वामी जी भी इन्हीं झाड़ियों में गिर पड़े थे, इन झंखाड़ों को नष्ट कर देना ही ठीक होगा। यह बात सुनते ही हरिहर बाबा ने कहा, इन कांटों से जैसा मुझे कष्ट हुआ वैसा ही सरस्वती स्वामी को भी हुआ होगा। भक्तों ने कहा, हां महाराज, तमाम बदन से कांटे निकालने में काफी परेशानी हुई थी। कुछ देर बाद हरिहर बाबा ने कहा, कल से इन्हें कष्ट देने का अवसर नहीं मिलेगा। दूसरे दिन स्थानीय लोगों ने देखा, दूर दूर तक जितने भड़भाड़ के पौधे थे सब मुरझा गए हैं। लगता था जैसे रात को दैत्यों ने आकर इन्हें जड़ से उखाड़कर रख दिया है। आसपास के अन्य पेड़ मौजूद थे पर भड़भाड़ का एक पेड़ भी जीवित नहीं था। इसी प्रकार की एक और घटना हुई थी, चर्चा बनारस ही नहीं बल्कि भारत के विभिन्न प्रांतों में फैल गई थी। महाराज कुमार विजयानगरम काशी के सर्वजन आहत पुरुष थे। ब्रिटिश शासनकाल में जितने गवर्नर काशी आते वे इनके यहां ठहरते थे। सामान्य लोगों में विजयानगरम का महल ईजानगर की कोठी के नाम से प्रसिद्ध है। शिक्षित जनता क्रिकेट के कुशल खिलाड़ी होने के कारण इन्हें वीजी कहती थी। महाराज कुमार संतानहीन थे, कभी कभी हरिहर बाबा का दर्शन करने आते थे। एक बार शायद उन्होंने अपना दर्द प्रकट किया। बाबा ने कहा, भंडारा करो, राम जी की कृपा अवश्य होगी। यह आदेश पाकर महाराज कुमार ने दो दिन मालपुए का और दो दिन रसगुल्ले का भंडारा किया। इसके बाद रानी साहिबा ने महल में भंडारे का प्रबंध किया जिसमें बाबा से आने का अनुरोध किया गया। बाबा पालकी पर सवार होकर रवाना हुए। आपके साथ भक्तों का काफिला था। असी नाले के पास नागफनी का जंगल था। फलस्वरूप पालकी ढोने वालों से लेकर अनेक भक्तों के पैरों में नागफनी के कांटे धस गए, सभी त्रस्त हो उठे। यह घटना देखकर तुरंत बाबा के मुंह से निकल पड़ा, कल से नागफनी का नाश हो जाएगा, इसके बाद किसी को इस पौधे से कष्ट नहीं होगा। भड़भाड़ का नाश होते जो लोग देख चुके थे उन लोगों को विश्वास हो गया कि अब नागफनी का सत्यानाश हो जाएगा। दूसरे दिन कौतूहलवश काफी लोग यह दृश्य देखने गए। पता नहीं रात भर में सारी नागफनी कहां गायब हो गई थी। बिजली की तरह यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। अब एक अरसे बाद लोग घरों में कैक्टस के नाम पर गमलों में लगा रहे हैं। महाराज कुमार विजयानगरम के यहां नगर के अधिकांश सन्यासी ब्राह्मण और अब्राह्मणों ने उस दिन भोजन किया। हरिहर बाबा ने रानी साहिबा को आशीर्वाद दिया। 10 माह बाद वे संतान की जननी बनी। मुक्तागाछा के जमींदार काशी यात्रा करने आए। इनके साथ श्रीस नामक मित्र थे। जमींदार साहब काशी में 2 माह रहने के बाद चले गए, पर श्रीस को यहां का वातावरण इतना अच्छा लगा कि वह यहीं रह गए। अक्सर हरिहर बाबा का दर्शन करने चले जाते थे। अचानक एक दिन बाबा उस पर बिगड़ उठे, अरे बेवकूफ, तू अभी चला जा यहां से। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बाबा ने कहा, शादीशुदा होकर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता, अपनी पत्नी और बच्चों को गांव में छोड़कर यहां तीर्थ करने आया है। अब अगर आना तो
बाल बच्चों को लेकर आना, वरना मत आना, उसने गिड़गिड़ाकर कहा। कैसे ले आऊं बाबा, यहां कौन सा रोजगार करूंगा, उनका पेट कैसे भरूंगा? बाबा ने कहा, यहां मिठाई की दुकान खोल ले, रुपए यहां से ले जाना। बाबा की आज्ञा मानकर वह गांव चला गया और वापस आकर सोनारपुरा मोहल्ले में मिठाई की दुकान खोली। वह रसगुल्ला इतना बढ़िया बनाता था कि लोग उसे रसगुल्ला बाबू कहने लगे। यह सन 1942 ईस्वी की घटना है। श्रीश बाबू का एक ही लड़का था। अचानक वह हैजे का शिकार हो गया। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह सुनते ही वह पागलों की तरह बाबा के पास आकर रोने लगा। बाबा ने कहा, तेरा लड़का मरा नहीं है, यहां से चरणामृत ले जा और राम राम जपते हुए उसके मुंह में डाल देना। बाबा के आज्ञानुसार उसने तुरंत घर आकर बच्चे के मुंह में चरणामृत डाला। उसे विश्वास था कि चरणामृत डालते ही चमत्कार होगा। बाबा के आज्ञानुसार एक नहीं, दो दो डॉक्टरों को बुलाया गया था। दोनों ने ही कहा कि लड़का मर गया है। इसके बाद बाबा के एक भक्त डॉक्टर श्रीराम बाबू आए। उन्होंने गौर से देखा, वे भी चिंतित हो उठे। सारी बातें सुनने के बाद दवा दी। तीन दिन लड़का उसी हालत में पड़ा रहा। चौथे दिन उसकी नाड़ी क्षीण गति से चलने लगी। श्रीराम बाबू ने कहा, अब डरने की जरूरत नहीं है, जाओ बाबा को प्रणाम कराओ। काशी में राधे नवलगढ़िया नामक एक व्यवसायी रहते थे। उनकी पत्नी को तपेदिक हो गया था। डॉक्टरों ने कहा, अब यह ठीक होने वाला नहीं है, रोगी को मनचाही चीजें खाने पीने दे और आराम से रखें। डॉक्टरों की इस राय को सुनकर नवलगढ़िया निराश हो गए। अकेले में अक्सर रोते कलपते थे। बात पत्नी के पास पहुंची। उसने कहा, एक बार मुझे हरिहर बाबा का दर्शन करा दो, उनके दर्शन से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। पत्नी के अनुरोध पर नवलगढ़िया उसे नाव से बाबा के पास ले आए। नवलगढ़िया को देखते ही बाबा उखड़ गए। तुम लोगों ने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? क्या मैं वैद्य डॉक्टर हूं, भगवान हूं? हटाओ यह सब बखेड़ा, हरिहर बाबा के शिष्य विश्वनाथ बाबा ने कहा, प्रभु यह आपकी ही संतान है, अपना सुख दुख पिता से ना कहेंगे तो किससे कहेंगे? अगर आप हम सब पर कृपा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? कुछ देर बाद मन शांत होने पर हरिहर बाबा ने कहा, ले आ उसे सामने लिटा दे। आज्ञा पाते ही रोहिणी को लोग बाबा की नाव पर ले आए और बाबा के सामने लिटा दिया गया। सहसा हरिहर बाबा की शांत आंखें बड़ी बड़ी हो गई। रोहिणी के सिर से पैर तक निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा, जा बेटी, तेरा सारा रोग दूर हो गया, चिंता की बात नहीं, आगे सुविधा अनुसार भंडारा दे देना, इससे तेरा मंगल होगा। संतों की चरितावली बहुत रहस्यमयी होती है और बहुत ऐसी बातें होती हैं जो जाने अनजाने हमें पता चल ही जाता है। यहाँ पे आप लोगों ने गौर किया कि बाबा जी भंडारे के बारे में कह रहे हैं, तो जो भी भक्त अभी सुन रहे हैं, हो सकता है मुझे या फिर आपको कहा जा रहा हो, तो अगर आपको कोई वैसी परेशानी है, हो सकता है बहुत ऐसे भक्त होंगे, कुछ ना कुछ परेशानी तो लगी ही रहती है और कुछ ऐसे परेशानी होती हैं जो बहुत बड़ी होती है, तो मैं समझता हूँ कि उनको भी भंडारा कराना चाहिए, संतों का भंडारा उन्हें भी कराना चाहिए। आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे अगर मतलब कहीं में कहीं ऐसा प्लेस रहता ही है ना जहाँ पे बहुत सारे भिखारी रहते हैं, मतलब जिनको सच में आवश्यकता होती है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, तो उन लोगों को खाना दे सकते हैं जितनी आपकी क्षमता हो, नहीं तो आप संतों का भी भंडारा करा सकते हैं। ये जरूरी नहीं होता ना कि हम 100 संतों का 200 संतों का भंडारा कराएं, हम अपनी क्षमता के अनुसार छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो अगर आप लोग ऐसे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा।
कि कहाँ आप दे सकते हैं, जहाँ पे वो जो आपकी धन राशि है उसका सार्थक सात्विक उपयोग होगा। नहीं तो आप स्वयं भी करा सकते हैं, और अगर बड़े स्तर तक आप करा सकते हैं, आपकी वैसी क्षमता है, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं सारी जानकारी आपको दे दूंगा, आप स्वयं वहां जाके उपस्थित होके अच्छे तरीके से वो करवा सकते हैं, वहां पे मतलब व्यवस्था कर दी जाती है। तो मैं तो कहूंगा कि अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है आपको, तो आपको ये चीज़ें अवश्य ही करवाना चाहिए, हरिहर बाबा की कृपा अवश्य प्राप्त होगी आप लोगों को। आगे सुनते हैं। काशी निवासी शंकर प्रसाद पटना के किसी कॉलेज में अध्यापक थे। उनका मस्तिष्क विकृत हो गया। माता पिता ने काफी इलाज कराया, उझाई कराई, पर कोई लाभ नहीं हुआ। माता सरला देवी ने हरिहर बाबा के एक शिष्य राम शरण जी से अपनी मुसीबतों की चर्चा की। राम शरण जी ने कहा, आप अपने लड़के को लेकर हरिहर बाबा के पास चले जाइए, वे साक्षात बाबा भोलेनाथ हैं, उनकी कृपा होने पर आपका संकट दूर हो जाएगा। सरला देवी सीधे हरिहर बाबा के पास आई। अपने संकट का वर्णन विस्तार से करने के बाद आकुल स्वर में कृपा मांगने लगी। बाबा मौन रहे, उन्होंने इस प्रार्थना पर आंख उठाकर देखा तक नहीं। सरला दुखी होकर वापस लौट आई। सारी बातें सुनने के बाद राम शरण जी ने कहा, आप एक बार और बाबा के पास जाइए, उनसे कहिएगा कि मुझे राम शरण ने भेजा है, जो आपको उस पार से इस पार ले आए हैं। सरला देवी दूसरे दिन पुनः हरिहर बाबा के पास आई और राम शरण जी का उल्लेख करते हुए अपनी सारी व्यथा सुनाई। हरिहर बाबा कुछ देर मौन रहने के बाद बोले, नित्य शाम को महावीर का भजन और राम का नाम जपना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। सरला देवी घर आकर बाबा के निर्देशानुसार कार्य करने लगी। पति को उत्सुकता हुई कि आखिर इस बालक के भाग्य में क्या है। एक ज्योतिषी ने बताया कि आपके बालक पर महावीर जी कुपित हैं। कहीं राम राम होता था जिसे आपके पुत्र ने बंद करवा दिया, फलतः महावीर जी नाराज हो गए और उसका मस्तिष्क विकृत हो गया। सारी बातें सुनने के बाद पति ने नित्य अपने घर रामायण का पाठ प्रारंभ कराया। धीरे धीरे बालक स्वस्थ होकर पुनः काम करने लगा। सरजू नामक एक व्यक्ति किसी मुकदमे के सिलसिले में काशी आया। कचहरी का काम समाप्त करने के बाद वह हरिहर बाबा का दर्शन करने चल पड़ा। बहुत दिनों से उनकी ख्याति सुनता आया था। बाबा के पास आते ही उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, फिर घर वापस नहीं गया। एक कौपीन, कमंडल और लाठी उसने जीवन का सहारा बना लिया। बाबा ने उसे शिष्य के रूप में अपना लिया। केवल इन्हीं सामग्रियों को लेकर वह तीर्थ यात्रा पर चला गया। सरजू के बाद कितने लोग आए और चले गए। कुछ दिनों बाद एक दिन बाबा बेचैन होकर बोल उठे, आज मेरा विश्वनाथ आ रहा है। बाबा के पास बैठे लोग इस बात का मतलब नहीं समझ सके। कई घंटे बाद एक युवक बाबा के पास आया। उसे देखते ही बाबा बोले, तू आ गया, कब से मैं तेरा इंतजार कर रहा था। कहने के साथ ही उन्होंने उसे अपनी गोद में बैठाया, धीरे धीरे उसके मस्तक पर हाथ फेरने लगे। थोड़ी देर में उसका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया। 3 घंटे बाद वह स्वाभाविक स्थिति में आया। यह दृश्य देखकर पास बैठे भक्तों ने पूछा, महाराज यह बालक कौन है। बाबा ने प्रसन्न भाव से कहा, काशी का विश्वनाथ। विश्वनाथ के आने पर ही बाबा सचल होते हैं, वरना पत्थर की तरह अचल बने रहते हैं। विश्वनाथ के आने से अनेक भक्तों का उपकार हुआ। लोगों को समझते देर नहीं लगी कि बाबा का यही प्रमुख शिष्य बनेगा। बाबा कभी विश्वनाथ की बात टालते नहीं थे। कुछ ही दिनों में मल्लाहों से नाव खेना सीखकर वह नाव खेने लगा। हरिहर बाबा काशी की भूमि को अत्यंत पवित्र समझते थे,
इसलिए इधर मल मूत्र त्याग नहीं करते थे। नित्य विश्वनाथ भोर के समय उस पार बाबा को ले जाते और ले आते थे। धीरे धीरे बाबा की सारी जिम्मेदारी उसने ले ली। कुछ दिनों बाद विश्वनाथ के माता पिता उसे खोजते हुए आए और बाबा से अनुरोध करने लगे कि उनके पुत्र को मुक्ति दे दी जाए। बाबा ने कहा कि अगर तेरा बेटा है तो मेरे पास क्यों आया? अगर यह मेरा बेटा है तो कहीं नहीं जाएगा, चाहे तो कोशिश करके देख ले। विश्वनाथ के माता पिता अपने लड़के को कई दिनों तक समझाते रहे, पर वह वापस जाने को राजी नहीं हुआ। बाबा उसे धर्म ग्रंथ पढ़ाने लगे। वह पढ़ता और बाबा सुनते। इसी तरह बाबा विश्वनाथ का निर्माण करते रहे। बाबा पहले बजरे पर नहीं रहते थे, भोर के समय प्रातः क्रिया करने नदी तैरकर आते जाते थे। एक बार मझौली की रानी बजरे पर सवार होकर गंगा पार कर रही थी। उन्होंने देखा उफनते हुए नदी की धार में एक आदमी तैरता हुआ दूसरी ओर जा रहा है। यह देखकर उन्होंने मल्लाहों से कहा, यह आदमी पागल है क्या? इतनी तेज धार में तैर रहा है, नाव से जाना चाहिए। मल्लाहों ने कहा, महारानी जी, यह काशी के महान संत है, नित्य मल मूत्र त्यागने के लिए उस पार इसी तरह जाते हैं और वापस लौटते हैं। नगवा में जाड़ा, गर्मी, बरसात में नंगे बदन बैठे रहते हैं। ऐसा महात्मा शहर में दूसरा कोई नहीं है, बड़े सिद्ध हैं। रानी ने कहा, तुम बजरा नगवा घाट पर लगाओ, मैं इन महात्मा का दर्शन करूंगी। नगवा घाट आकर रानी जी पैदल ही बाबा के समीप आई। इन्हें देखते ही बाबा ने पूछा, माता जी, आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया? रानी माता ने प्रणाम करते हुए कहा, आपसे मैं एक नम्र निवेदन करना चाहती हूं, क्या आप स्वीकार करने की कृपा करेंगे? अगर आप अनुमति दी तो मैं इन श्री चरणों में निवेदन करूं। बाबा ने कहा, माता जी, आप निर्भय होकर अपनी इच्छा प्रकट करें, मैं आपकी इच्छा की पूर्ति अवश्य करूंगा। रानी जी ने हंसकर कहा, मैं जानती हूं कि आप गंगा के पवित्र जल को छोड़कर कहीं नहीं रह सकते, आपके निवास के लिए एक नाव अर्पित करना चाहती हूं ताकि आप आराम से निवास कर सके। बाबा की इच्छा नहीं थी, पर इस अनुरोध को उन्होंने अस्वीकार नहीं किया। आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु, जैसी माता जी की इच्छा। इस आज्ञा को पाकर रानी जी ने एक बजरा बनवाकर उस पर बाबा को बैठाया। उस दिन इस उपलक्ष में विशाल भंडारा हुआ। इस घटना के बाद से नित्य भोग के लिए रानी जी सामग्री भेज देती थी, नियमित रूप से आकर बाबा के निकट श्रद्धा ज्ञापन करती थी। एक दिन एक दुसाला लाकर बाबा के शरीर पर डाल दिया। एकाएक बाबा थरथर कांपने लगे। यह दृश्य देखकर रानी अवाक रह गई। यह क्या, यहां तो सब उल्टा हो रहा है, आखिर बात क्या है? तभी वहां एक सन्यासी आकर बैठा। वह सर्दी से बुरी तरह कांप रहा था। तुरंत बाबा ने उस साल को उसे उड़ा दिया। सन्यासी का कांपना बंद हुआ, इधर बाबा का कांपना भी अपने आप गायब हो गया। अक्सर बाबा इस तरह का चमत्कार दिखाया करते थे। सन 1925 ईस्वी की घटना है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुछ उदंड छात्रों ने उपद्रव मचाया। वे जूता पहनकर बाबा के बजरे पर चढ़ आए। मल्लाहों ने उन्हें डांटा, फलस्वरूप बात बढ़ती गई और मारपीट होने लगी। इसके बाद लड़के ईंट पत्थर फेंकने लगे। बजरे पर बैठे कई लोगों को चोट आई। बाबा ने क्षुब्ध होकर कहा, बजरा खोल दो, अब मैं यहां नहीं रहूंगा। आदेशानुसार बजरा खोल दिया गया। कुछ दूर अस्सी घाट पर आते ही बाबा ने कहा, यहीं रोक दो। बाबा के साथ हुई दुर्घटना का समाचार चारों ओर फैल गया। लड़कों की उद्दंडता पर सारा शहर उफनने लगा। मालवीय जी के पास समाचार पहुंचा। वे तुरंत आए और लड़कों की ओर से क्षमा मांगने लगे। बाबा ने अप्रसन्न होकर कहा,
आप इन लड़कों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, क्या यही देश का कल्याण करेंगे? मालवीय जी की इस शिकायत पर क्या जवाब देते? उन्होंने कहा, मैं लड़कों के इस अपराध के लिए आपसे क्षमा मांगने आया हूं। वे आपकी ही संतान हैं। बच्चों की उदंडता को माता पिता क्षमा करते हैं, वरना वे पाप मुक्त कैसे होंगे? अगर यही ज्ञान उन्हें रहता तो वे ऐसा गलत कार्य क्यों करते? बाबा ने कहा, राम जी ने उन्हें क्षमा कर दिया है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा कहना यही है कि अगर लड़कों को योग्य, सभ्य और सुसंस्कृत न बना सको तो क्यों व्यर्थ में अर्थ और समय बर्बाद कर रहे हो? इस बातचीत के बाद मालवीय जी क्षुब्ध भाव से वापस चले आए। इस घटना के 3 दिन बाद ब्रिटिश सरकार की ओर से मालवीय जी को इस आशय की एक नोटिस प्राप्त हुई, जिस जमीन पर आप विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं उसे 2 महीने के भीतर खाली कर दीजिए। भारत सरकार वहां सैनिकों के लिए छावनी बनाने का निश्चय कर चुकी है। इस नोटिस को पाते ही मालवीय जी के होश उड़ गए। तत्कालीन सभी नेताओं को उन्होंने बुलाकर आवश्यक मीटिंग की। काफी देर तक विचार विमर्श करने के बाद भी समस्या का हल नहीं निकला। सदस्यों में एक प्रोफेसर थे जो बाबा के भक्त थे। उन्होंने सारी घटना मालूम कर ली थी। उनके मन में शंका उत्पन्न हुई कि कहीं बाबा के कोप के कारण यह बात तो नहीं हुई है। उन्होंने सुझाव दिया कि हम सब चलकर हरिहर बाबा से प्रार्थना करें। वे महान योगी और सिद्ध महात्मा हैं, शायद उनके कारण यह संकट दूर हो जाए। संतों के आशीर्वाद से चमत्कार होते हैं। उस दिन छात्रों ने गलत काम किया था, शायद उसी का यह परिणाम है। सारी बातें सुनने के बाद बाबा ने कहा, आप लोग इस नोटिस का कोई जवाब ना दें। राम जी चाहेंगे तो कल्याण होगा। पुनः 1 सप्ताह बाद सरकार की ओर से यह सूचना आई कि पहले भेजी गई नोटिस रद्द की जा रही है। जब यह पत्र मिला तब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। पुनः लोग बाबा के पास कृतज्ञता प्रकट करने आए और कहा कि हम यहीं घाट पर आपके लिए एक कुटिया बना देना चाहते हैं। बाबा ने कहा, मुझे कुटिया की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग कुछ देना चाहते हैं तो हमारे राम जी के परम भक्त तुलसीदास के नाम पर बने घाट का जीर्णोद्धार करा दें। मालवीय जी के प्रयत्न से श्री घनश्याम दास बिरला ने उक्त घाट का जीर्णोद्धार कराया था। बाबा के अनन्य शिष्य विश्वनाथ ब्रह्मचारी जी अचानक बुखार से पीड़ित हो गए, साथ ही पेट में असहनीय पीड़ा शुरू हो गई। यह देखकर बाबा ने कहा, शिवालय जाकर रामनगरिया को दिखाओ, अगर वह कोई दवा दे तो उसे लेकर यहां चले आना। विश्वनाथ ब्रह्मचारी रिक्शे से सोनारपुरा स्थित डॉक्टर दास गुप्ता के दवा खाने में आए। उन्होंने दवा दी जिसे लेकर वे बाबा के निकट आए। बाबा ने कहा, रामनगरिया ने जो दवा दी है उसे गंगा में फेंक दे, डुबकी लगाकर गंगा से थोड़ी मिट्टी निकालकर खा ले और राम जी का नाम लेकर थोड़ा सा गंगा जल पी ले। विश्वनाथ ब्रह्मचारी ने निर्देशानुसार वही किया। थोड़ी देर बाद ठंडक देकर तेज बुखार आया। बाबा ने कहा, उसे कंबल उड़ा दो और 2 आदमी कसकर पकड़े रहो, जब उसका कांपना बंद हो जाए तब उसे मेरे पास लाना। वह उठकर बैठने ना पाए इसका ख्याल रखना। 1 घंटे बाद कंपन बंद हुआ, तब विश्वनाथ ब्रह्मचारी बाबा के पास आए और कहा, बुखार और जाड़ा दोनों गायब हो गया। दूसरे दिन डॉक्टर दास गुप्ता अपने मरीज को देखने आए तो पता चला कि विश्वनाथ ब्रह्मचारी नहाने गए हैं। डॉक्टर ने कहा, यह क्यों? यह बुखार तो 1 दिन में अच्छा होने वाला नहीं है, कैसे अच्छा हो गया? फिर क्षण भर बाद बोले, शायद बाबा की कृपा से यह संभव हुआ है। बाद में उन्हें सारी कहानी बताई गई, तब उन्होंने कहा, मेरा अनुमान सही निकला। राम शरण के भाई
अपनी नौकरी के लिए परेशान थे। इंटरव्यू दे चुके थे पर अभी तक कोई सूचना नहीं आई। व्याकुल होकर बाबा के पास आकर बोले, प्रभु मेरी नौकरी कब तक लगेगी, बड़ा चिंतित हूं। हरिहर बाबा ने कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज और शीघ्र इसकी सूचना तुम्हें मिलेगी। बाबा के दरबार से घर आते ही देखा कि पोस्टमैन मिलिट्री ऑफिस से पत्र को लेकर खड़ा है। पत्र में लिखा था, एक सप्ताह के भीतर अपनी छावनी पर आ जाएं। पत्र पाते ही परेश चंद्र मजुमदार तुरंत बाबा के पास आए और चरण रज मस्तक से लगाते हुए कहा, आपकी असीम कृपा मुझ पर है, अब मुझे लड़ाई पर जाने की अनुमति दे। बाबा ने कहा, ठीक है बेटा जाओ, हमारी मुलाकात फिर होगी। इसी प्रकार की एक घटना श्री राम बाबू की पत्नी के साथ हुई। एक दिन वे आकर बोली, बाबा मेरा लड़का दफ्तर की परीक्षा में फेल हो गया, फलस्वरूप उसे तरक्की नहीं दी गई। बाबा ने पूछा, क्या पुनः परीक्षा नहीं होगी, अब तो 6 महीने बाद होगी। बाबा ने कहा, घबराने की बात नहीं है, परीक्षा के कुछ दिन पहले मुझे आकर बता देना, सब राम जी की कृपा से ठीक हो जाएगा। परीक्षा के पूर्व श्री राम की पत्नी ने बाबा को पत्र लिखा। परीक्षा के बाद लड़के को प्रमोशन मिल गया। सन 1948 ईस्वी में भयंकर बाढ़ आई थी। नगर में नाव द्वारा आवागमन हो रहा था। सरकारी आदेश जारी हुआ कि कोई भी नाव उस पार नहीं जाएगी। यात्रियों से भरी कई नौकाएं डूब गई थी। चारों ओर जल, पुलिस का पहरा लग गया। तुलसी घाट पर कैंप लग गया। पुलिस के बड़े बड़े अफसर चारों ओर देखरेख कर रहे थे। रात के 3 बजे बाबा की नाव उस भयंकर बाढ़ में उस पार रवाना हुई। बाबा निपटने जा रहे थे, विश्वनाथ ब्रह्मचारी जी नाव चला रहे थे। सिपाही गर्जा, कौन जा रहा है? नाव से कोई जवाब नहीं आया। अफसर ने गोली चलाने का आदेश दिया। तभी एक पुलिस अफसर सलाम करते हुए बोला, हरिहर बाबा की नाव है, वे नित्य उस पार निबटने जाते हैं, ऐसे महात्मा पर गोली न चलाएं। उस पार निबटने के बाद बाबा वापस आने लगे। बीच गंगा में आकर विश्वनाथ ब्रह्मचारी ने कहा, अब डाढ़ चल नहीं रहा है, कैसे खेऊं, नाव उस पार लगाना कठिन हो रहा है। हरिहर बाबा ने कहा, अब तुझे खेने की जरूरत नहीं, मेरी बगल में आकर बैठ जा, यहां बैठकर राम राम जप। विश्वनाथ ब्रह्मचारी बाबा के आज्ञानुसार डाढ़ छोड़कर राम राम जपने लगे। नाव धीरे धीरे बहती हुई 80 घाट की ओर बढ़ गई। बीच गंगा के भंवर में जब नाव चक्कर काट रही थी और विश्वनाथ ब्रह्मचारी नाव खेने में लाचार हो गए, तब इस पार खड़ी पुलिस ने कहा, आज बाबा की जल समाधि होगी। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने देखा कि डाढ़ खेने वाला कोई नहीं है। थोड़ी देर बाद जब नाव किनारे पर लगी, तब जिलाधीश सिंक्लेयर तथा डी साहब नाव पर आए और बाबा के चरणों पर अपनी टोपी रख दी। पौष मास, रात के 2 बजे एक माता जी आई, लाल किनारे की साड़ी पहनी थी। आप प्रत्येक चतुर्दशी के दिन आती हैं और हरिहर बाबा के सिर पर पानी डालती हैं। उस दिन विश्वनाथ ब्रह्मचारी नाराज हो गए, फटकारते हुए बोले, इस कड़ाके की सर्दी में आप बाबा के सिर पर पानी डाल रही हैं? तुरंत हरिहर बाबा बिगड़ते हुए बोल उठे, तुझसे क्या मतलब है कि कौन क्या करता है, जब तेरे सिर पर कोई पानी डाले तब बिगड़ना। कुछ देर बाद पुनः बोले, जानता है कौन आया था? विश्वनाथ ब्रह्मचारी ने चौंक कर उस ओर देखा, माताजी अंतर्धान हो चुकी थी। श्री गोविंद प्रसाद मुखोपाध्याय बाबा के एक पुराने भक्त थे। बाबा के अनेक चमत्कार वे देख चुके थे। अपने शरीरांत के 2 माह पूर्व बाबा गंगा जल के अलावा कुछ नहीं खाते पीते थे।
इधर बाबा के तिरोधान के ठीक 4 दिन पूर्व गोविंद प्रसाद की इच्छा हुई कि बाबा को भोग दे। वे पूरी, तरकारी, मिठाई आदि लेकर आए। विश्वनाथ ब्रह्मचारी ने कहा, यह सब आप क्या लाए हैं? आप तो जानते हैं कि आजकल बाबा कुछ नहीं खाते। अपनी गलती समझकर गोविंद प्रसाद चुप रह गए, बाबा के पास आकर बैठे। इसके बाद जब गोविंद गीत गाने लगे तब बाबा उठकर बैठ गए और विश्वनाथ ब्रह्मचारी से कहा, गोविंद मेरे लिए भोग लाया है, लाओ यहां। अपना भोग बाबा को खाते गोविंद की आंखों से अविरल अश्रुपात होने लगा। बाबा किसी को मंत्र नहीं देते थे। आगे चलकर उन्होंने यह भार विश्वनाथ ब्रह्मचारी को सौंप दिया। दिन पर दिन विश्वनाथ ब्रह्मचारी का महत्व बढ़ते देख कुछ शिष्य मन ही मन जलने लगे। बाबा को यह रहस्य समझते देर नहीं लगी। एक दिन उन्होंने अपना चमत्कार दिखाया। नित्य नाव पर बाहर से भोजन की सामग्री आती थी जिसे सभी सन्यासी खाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई भक्त भोग सामग्री लेकर नहीं आया। शाम के समय बाबा ने स्नान करने के पश्चात राम का नाम लेकर गंगा जल पान किया। विश्वनाथ ब्रह्मचारी ने भी वैसा ही किया। इस तरह 2 दिन उपवास में बीत गए। सन्यासी शिष्यों ने कहा, गुरुदेव उपवास कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है, हम सब मधुकरी के लिए चलें। बाबा ने कहा, मेरे लिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम लोगों को जहां आराम मिले वहां जा सकते हो। विश्वनाथ और सरजू को छोड़कर सभी चले गए। 5वें दिन सरजू ने कहा, प्रभु मैं कभी विश्वनाथ महाराज पर नाराज नहीं हुआ। बाबा ने कहा, यह बात मैं जानता हूं, तू एक काम कर, नाव से उतरकर घाट पर बैठ जा, तुझे भीख मांगने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, पास ही बैठ जाएगा तो खाने लायक रकम भोजन मिल ही जाएगा। बाबा के आज्ञा अनुसार सरजू स्वामी घाट पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक महिला आई और उन्हें पूरी और तरकारी दे गई। बाद में बाबा ने सभी को बुलाकर कहा कि अब तुम लोग विश्वनाथ को पहचान गए होगे। बाबा ने हमें शिक्षा देने के लिए यह खेल किया था। इस बात को समझते ही सभी लोगों ने बाबा के श्री चरणों में सिर रखते हुए क्षमा प्रार्थना की। पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने हरिहर बाबा के बारे में लिखा है, इस दिगंबर महापुरुष का दर्शन करने के लिए मेरे गुरुदेव श्री श्री विशुद्धानंद परमहंस जाया करते थे। उन दिनों मैं उनके साथ जाया करता था। श्री विशुद्धानंद परमहंस देव, जो गंध बाबा के नाम से जाने जाते हैं, ज्ञानगंज के महासिद्ध थे। उनकी भी जीवनी मैंने बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आप उसे देख सकते हैं। योग त्रयानंद भी बाबा से श्रद्धा करते थे। हरिहर बाबा सर्वदा शिव शिव राम राम कहा करते थे। काशी और गंगा के प्रति उनकी निष्ठा अटल थी। नित्य शौचादि के लिए वे प्रातःकाल तथा सायंकाल नियमित रूप से गंगा पार कर रामनगर जाया करते थे। जीवन के अंतिम काल तक इस नियम का पालन करते रहे। हरिहर बाबा का योगेश्वर प्रभाव मनुष्यत्तर प्राणियों पर भी था, उसका एक मनोज्ञ उदाहरण दे रहा हूं। एक दिन नगवा में शोरगुल मच गया कि काशी नरेश का एक वृद्ध हाथी पागल होकर रामनगर क्षेत्र में बड़ा उपद्रव कर रहा है। लोग चिंतित हो उठे। इसके बाद वह हाथी जिघाड़ता हुआ नदी में कूद पड़ा। वहां से तैरता हुआ वह सीधे तुलसी घाट पर आया जहां हरिहर बाबा ईष्ट ध्यान में निमग्न थे। बाबा जी निश्चल और ब्रह्म ज्ञान रहित थे। लोग भय से दूर भाग गए और भयभीत नेत्रों से देखने लगे। सभी लोगों ने भयभीत दृष्टि से देखा कि वह पागल हाथी हरिहर बाबा के पास जाते ही इंद्रजाल की तरह क्षण भर में शांत हो गया और आज्ञाकारी नौकर की तरह खड़ा हो गया। लगा जैसे हरिहर बाबा की प्रेम महिमा में बंदी हो गया है, हाथी का पशुत्व दूर हो गया है,
वह अपनी सत्ता खो चुका है। इस घटना की कहानी काशी की जनता बहुत दिनों तक कहती रही। जिस प्रकार पहले तैलंग स्वामी काशीवास करते हुए जनता की दृष्टि में महापुरुष के रूप में गण्य हुए थे, ठीक उसी प्रकार हरिहर बाबा भी लोगों का चिताकर्षण करते रहे। यहां तक कि तैलंग स्वामी के स्थान की पूर्ति इस शताब्दी में वे ही करते रहे। कीर्तन पाठ उनके सामने नियमित होता रहा। कठोर तपश्चर्या और कृच्छ साधना के कारण हरिहर बाबा का शरीर खराब होता गया। कभी कभी भक्तों को शरीर छोड़ देने की बात कहा करते थे। उस समय आपके भक्त कहते थे, बाबा आप इच्छामय हैं, स्वतंत्र ईश्वर स्वरूप, अगर आप हम सभी के लिए शुभ और कल्याण चाहेंगे तो अभी काफी दिनों तक रहेंगे। इसके उत्तर में वे कहते, मैं अपनी सारी इच्छाओं को राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया है। फिर कोमल शब्दों में कहते, जो निवेदन किया है क्या उसे वापस लिया जा सकता है? भक्तों ने कहा, आपके आश्रय में हम अत्यंत निर्भरता के साथ शांतिपूर्वक विश्राम कर रहे हैं, आप हमें छोड़कर कभी ना जाएं। उन्होंने उत्तर दिया, तुम सब जीव भाव छोड़कर राम जी के परम स्वरूप उस परमात्मा की याद को स्मरण करते रहो, जो राम जी सभी सृष्टि में ओतप्रोत रूप में विराजमान है। सभी के भीतर, सब कुछ के भीतर राम जी का सानिध्य प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न करो। परम धाम का चिंतन करो, वहां तुम्हारे साथ, मेरे साथ, तुम लोगों का कभी किसी समय विच्छेद नहीं रहेगा। अंतरंग सेवकों को एकांत में बुलाकर उन्होंने कहा, वृक्ष काफी जीर्ण शीर्ण हो गया है, अर्थात पुराना हो गया है, इसे अधिक दिनों तक रखा नहीं जा सकता। इस बातचीत के साथ उनका उस पार जाकर शौच करना बंद हो गया, फलतः उनके सामने कसोरा रख दिया जाता था जिसमें वे मल मूत्र त्याग करते थे। सारी सामग्री विश्वनाथ ब्रह्मचारी बाबा के आज्ञा अनुसार उस पार ले जाकर फेंक आते थे। एक दिन रात को बाबा ने विश्वनाथ को जगाकर कहा, तुझे जो कुछ पूछना या जानना है मुझसे पूछ ले, मेरा समय हो गया है। यह बात सुनते ही विश्वनाथ ब्रह्मचारी फफक कर रोने लगे। बाबा ने कहा, बेटा यह शरीर त्याग देने पर भी मैं तेरे शरीर में रहूंगा, इसके लिए अफसोस मत कर। दूसरे दिन ब्रह्मचारी जी ने सभी लोगों को समाचार दिया। अधिकांश शिष्य और भक्त आ गए। इस प्रकार एक सप्ताह बीत जाने पर बाबा ने रानी सोबिल तथा महाराज सरगुजा और विशिष्ट लोगों के सामने विश्वनाथ ब्रह्मचारी को अपनी गद्दी पर बैठाया। माला चंदन से विश्वनाथ ब्रह्मचारी का अभिषेक किया गया। बाबा ने कहा, संसार की भलाई के लिए मैं आज अपनी संपूर्ण शक्ति विश्वनाथ को दे रहा हूं, इसके अलावा और किसे देता? विश्वनाथ के अलावा यह बोझ अन्य कोई संभाल नहीं सकता। इतना कहने के बाद कांपते हाथ को उठाकर बाबा विश्वनाथ जी के मस्तक पर हाथ रखते हुए बोले, मेरा विश्वनाथ, तू राजा विश्वनाथ, तू स्वयं काशी विश्वनाथ है। तू नाना प्रकार के कष्टों को सहते हुए एक साल तक धैर्य धरे रहना, इसके बाद विश्व शांति के लिए काम करना। बाद में उसी दिन बाबा ने कहा, आज रात को यह शरीर छोड़ दूंगा, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले। 1 जुलाई सन 1949 ईस्वी के दिन बाबा ने शरीर त्याग दिया। हरिहर बाबा की तरह अन्य कोई सर्वमान्य महात्मा काशी में नहीं हुआ।